Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Sritva Pranamami Muhur Muhu Namasri Etirajaya Vivekananda Suraye Satchisukasvarupaya Swamine Tapaharine. अगले एक घंटा हम लोग ध्यान की अभ्यास करेंगे. वही ध्यान इज सो अट्रैक्टिव, दैट इज बिकॉज दैट इज वेयर वी रियली गेट अ ग्लिम्स ऑफ अ रियल नेचर. हम सबको स्वरूप की पहचान ध्यान के माध्यम में होता है, जिस कारण से ध्यान सबको बहुत ही प्रिय है. कसिनो और शास्त्र से वी आर ऑफ द नेचर ऑफ द इमॉर्टल. हम सब आज हमारा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है. ये सब जो चंचलता हम लोग अनुभव करेंगे कर रहे हैं, ये सब हम सबको स्वभाव की विरुद्ध है. इसलिए जितने भी हम लोग व्यस्त रहे हैं, जितने भी किसी न किसी में लगे हुए हैं, फिर भी अंदर ही अंदर हम सबको यही एक हम लोग चाहते हैं, मैं अपना स्वरूप में वापस जाऊं, फिर जाऊं. सो देर इज अ डीप इनर अर्ज इन ऑल ऑफ अस टू गो बैक टू अवर रियल नेचर. सो यू नो इन अवर नॉर्मल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस we are completely torn asunder, disturbed by innumerable thought currents. Hajar hajar vrittiyan utti rehti hai man mein. Iske karan bhi hai kyunki dhyan jaise bhi ise karna to sambhav nahi hai. Aapka din ki charcha, din ki shaili jay vaise ho, aapka dhyan ki sahayak ho. If your daily lifestyle is conducive to dhyana, इतना तक नहीं है, ये परस्पर परिपूरक है. जिन व्यक्ति थोड़ा ध्यानशील हैं, उनका दैनंदिन कार्य भी दिन की चर्चा दिन की शैली भी वैसी ही बन जाएगी. दे विल बिकम मोर काम इन ऑल देयर डीलिंग्स. और जैसे ही आपका डीलिंग्स में सोच विचार में ऐसे आप हो जाएंगे, then you'll be able to meditate better. ये दोनों परस्पर एक दूसरे की सहायता करता रहेगा. So, well, consciously we should try to remain calm, not be bothered by whatever is happening in the external world to the extent possible. At the same time, by constantly trying to practice this effort at dhyana, at meditation, would also make us more and more reflective, more and more introspective, and so on. क्योंकि आप एक तरह आप सोचिए, बाहर की जगत आप जैसे भी प्रयास करें, जैसे भी करें, whatever happens, ultimately you know all that is going to go away one day or other. आप जितनी बड़े भी आप एम्पायर खड़ा कीजिए, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाओ, बहुत बड़ा अमीर बन जाओ, maybe you are maybe the most beautiful, the most handsome person, लेकिन कुछ साल के बाद उसका कुछ भी असर नहीं रहेगा. Even the most beautiful person becomes, as age catches up, all that goes away. So all that we see in the external world constantly is of the nature of impermanence. जो विनाश प्राप्त करने वाले ही हैं, ये भी चीज नहीं है जो इंद्रियों की संयम इंद्रिय के संयोग में जो बनता है, उसका कोई स्थायी भाव में रहने का कुछ भी व्यवस्था नहीं है. सो अननेसेसरली यू नो वी कीप ऑन गेटिंग वरीड, गेटिंग इन्वॉल्व. ऐसा नहीं है, ऐसा क्या कुछ अच्छा करने के लिए नहीं प्रयास करेंगे? जरूर करेंगे. जितने भी आपकी क्षमता है, जो करना चाहते हैं, अच्छा सोच के समझ के, जो खुद की तो भलाई होगा, दूसरी का कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, ऐसे हम लोग जरूर प्रयास करेंगे. लेकिन कम से कम
इसीलिए हर रोज ध्यान करने के पहले भी ऐसे भी सोचें, जो भी हुआ मैं सब कुछ किसी को समर्पण कर दिया। जो जिन लोग कोई भक्ति भाव है, कोई भगवान की मानते हैं, संस्कार की वजह से, परिवार की जो अभ्यास की वजह से, ये भी हम लोग पहले बैठ के ध्यान के समय वो भी कर सकते हैं। मैं जो कुछ किया सुबह तक अभी शाम तक, वट एवर आई डिड, एवरीथिंग आई ऑफर अन टू योर फीट, आपके चरण में मैं समर्पण कर दिया। मेरे मन में वे शुद्धता, पवित्रता, ध्यान परायणता ला दीजिए। ऐसे भी हम लोग प्रार्थना से अपना ध्यान की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अंत में ऑल दैट वी डिड, ऑल दैट वी वर इन्वॉल्व्ड इन, ऑल दैट वी वर सो बिजी विद थ्रू आउट द डे, आप जब नींद में जाते हैं, एवरीथिंग वैनिशेस। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो इनटू डीप स्लीप, डज एनीथिंग रिमेन? सपोजिंग यू गो टू स्लीप विद अ ह्यूज एम्पायर बिहाइंड यू, सुबह आप उठते नहीं हैं, नींद में ही आपकी हार्ट अटैक हो गया, क्या होगा सबका? आप क्या ला जाएंगे साथ के? इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू नो, सपोजिंग इन अ स्मॉल वे वी रियलाइज द इम्परमनेंस ऑफ द वर्ल्ड, दैट विल ग्रेटली एनहांस अवर कैपेसिटी टू मेडिटेट। इतने ही ध्यान में रखना पहले से, जो प्रयास किया मैंने ठीक है, लेकिन अभी सा मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, मेरा मन की पूरा खाली कर दिया। आई हैव क्रिएटेड कंप्लीट अ वैक्यूम इन माई हार्ट विच विल बी फिल्ड विद वंडरफुल थॉट्स, नोबल थॉट्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडियाज विच विल हेल्प मी गो बैक टू माई रियल नेचर, मेरे स्वरूप की स्वभाव की तरह जाने का जो मेरा मौका मिलेगा वही मैं करूँगा। इसलिए देर इज अ वे, बिकॉज यू नो इन पतंजलि अष्टांग योग में वो भी कहते हैं, अल्दो चित्तवृत्ति निरोध इज द गोल ऑफ मेडिटेशन और योगा, फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद आसन, कैसे बैठेंगे, वी शुड सिट इरेक्ट, सीधा बैठना है, जैसे आपकी मस्तक, गर्दन और मेरुदंड एक लाइन में रहेगा, सीधा बैठना है। ये भी एक बड़ी अभ्यास है, आसन सिद्धि कहते हैं। हम लोग तो बैठते ही झुक जाते हैं, आधा लोग तो नींद में जाते हैं, समय निकल रहा है, एक घंटा हो गया लेकिन बहुत अच्छा नींद हुआ। सो दैट्स नॉट मेडिटेशन। सिट इरेक्ट, सिट स्ट्रेट विद एन अलर्ट माइंड, सबसे अच्छा है जमीन पे बैठना, सुखासन में या पद्मासन में बैठना संभव नहीं तो आप कोई चेयर में बैठ सकते हैं, लेकिन वहां भी आपका सीधा बैठना है। दूसरा चीज, प्रारंभ से अंत तक आंखों बंद रहेगा, आईज वुड रिमेन क्लोज, मेरी तरह देखने का, आसपास देखने का कोई जरूरत नहीं है, आग बंद कर दीजिए। क्यों? अवर इंद्रियज आर ऑलवेज एक्सटर्नली ओरिएंटेड, हमेशा बाहर जाने का, बाहर जाने का, बाहर जाने का प्रयास करता है। कहते सबसे चंचल है आपकी आंख, द मोस्ट रेस्टलेस ऑफ अवर इंद्रियज इज आईज, the ears, nose, etc. are all there, but eyes are the most restless. आप देखेंगे कई लोग एक सेकेंड के अंदर हजार बार घुमाएंगे आँख का इधर उधर चार तरह। So by closing it, we are at least trying to turn the gaze inwards. आवृत चक्षु अमृतत्व रिच, आप अमृतत्व चाहते हैं, then you must turn your gaze inwards. So आप दृष्टि अंदर के फैलाने के लिए आंख बंद करके सीधा बैठते हैं। देन यू नो व्हाट हैपेंस, आप जैसे बैठ गए बस आपका मन की प्रक्रिया शुरू हो गया, इधर उधर जाना, खाने में जाना, कहाँ सिनेमा में जाता है, कहाँ विदेश जाता है, खेल में जाता है, T20 में जाता है, हजार जगह में चला जाता है। सो वन ऑफ द वेज दे से इज टू कंट्रोल द माइंड इज थ्रू
ए कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ, कोई प्राण शक्ति, प्राण हम सबको शरीर में, मन में, ये पर्सनैलिटी के अंदर जितनी फोर्सेस है उसका सेंट्रल इज दिस आइडिया ऑफ प्राण। आप प्राण के नियंत्रण में ले आए, आप देखेंगे आपका जीवन में बहुत कुछ संभव है। इसलिए प्राणायाम की इतनी महत्व है। पर लेकिन हम लोग प्राणायाम वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि प्राणायाम वैसे करना ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग श्वास प्रश्वास की नियंत्रण करेंगे। इसलिए आप दाहिनी नासिका के डान हाथ की अंगुली से, वृद्ध अंगुल से बंद करके बाएं नाक से श्वास लेते हैं, फिर आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से बाएं नाक के बंद करके दाहिने नाक से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाहिने नाक से श्वास लेंगे और उसकी बंद करके बाएं नाक से श्वास निकलेंगे। So we breathe in through the left nostril, breathe out through the right nostril, breathe in through the right nostril, breathe out through the left nostril. ऐसे हम लोग alternate ऐसे करके कम से कम 4-5 मिनट दीर्घ श्वास लेना छोड़ना, this is called regular अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सहज है, लेकिन आप घर पे कम से कम हर रोज 20 मिनट तक करेंगे, आप देखेंगे कैसी आपका शरीर की रक्त संचालन वगैरह बहुत सुविधा होगा, आप देख पाएंगे। और करते करते मन की एकाग्रता, शांत चित्तता सब थोड़ा अनुभव कर पाएंगे। अभी हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम 4-5 मिनट के लिए करेंगे। मनी मन श्वास लेते समय, छोड़ते समय 10 तक गिनती कीजिए।
जब हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हम सब अनुभव करते हैं मन बहुत चंचल हो रहा है. इनफैक्ट व्हेन वी आर बिजी विथ वर्क आवर माइंड सीम टू बी कामर, एटलीस्ट फोकस्ड इन वन आइडिया और वन पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क. लेकिन ध्यान के समय बिकॉज द माइंड डज नॉट हैव एनी क्लियर ऑब्जेक्टिव, इट कीप्स ऑन वॉन्डरिंग इन थाउजेंड डायरेक्शंस. इसके भी हम एक अभ्यास प्रयास करेंगे क्या है, सिंपली क्लोजिंग योर आइज, जस्ट अलाउ द माइंड टू वॉन्डर. मन का इधर उधर जितने चाहते हैं भटकने दीजिए, आप खुद का एक साक्षी बना के. दैट्स अवर रियल नेचर. वी आर नॉट दिस बॉडी आर माइंड और एनीथिंग, वी आर दैट इटर्नल आत्मन दिस ऑल्सो द साक्षी विच विटनेसेस ऑल दैट इज हैपनिंग अराउंड. आप खुद के एक साक्षी बना के आप मन कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, अच्छा भी बुरा भी जो भी हो करने दिए, सिर्फ आप उसका देखते रहिए. जस्ट वॉच योर ओन माइंड, यू विल फाइंड दैट फॉर सम टाइम द माइंड स्टार्ट्स कमिंग डाउन अ बिट बिकॉज इट इज नो लॉन्गर दैट वॉन्डर लस्ट. बुद्धि चित्त अहंकार न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे. I am not the eyes, ears, nose, or any of the indriyas. Na cha vyoma bhumi na tejo na vayu. I am not the akasha, bhumi, fire, or water, or earth. Who am I? I am that ever blissful, infinite, boundless, birthless, eternal Atman. Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. मनो बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. लेट् एवरीवन् बी हैप्पी, लेट् एवरीवन् बी फ्री फ्रॉम डिसीज़, लेट् एवरीवन् हियर ओनली द ऑस्पिशियस, लेट् नो वन सफर फ्रॉम dukkha or misery. Then we should offer our salutations to Guru, because in spiritual life the help and guidance of a Guru is extremely important. Lekin kai baar hum log sochte hain mera Guru kaise honge, kaise main pehchanunga, unka kya shamata hai. Ye pehchanna, ऐसे खुद ही निर्णय लेना सहज नहीं है. इसलिए आप कोई अच्छी परंपरा के माध्यम में आप अध्यात्म जीवन में प्रवेश करेंगे, आप साधन करते करते आपके अंदर ही से आवाज आ जाएगा, आपका पता चलेगा किस पथ पे जाना, कैसे आगे जाना. साधक बनना सच्चाई से जीवन के बारे में, अध्यात्म जीवन के बारे में एक प्यार प्रीति, एक इच्छा
जगने में धीरे धीरे आप देखेंगे कहां से आपका सहायता मिल जाएगी. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू सल्यूट अवर गुरु फीलिंग दैट ही इज दैट इन्फिनिट परब्रह्मन एंड हाउ डज ही हेल्प ऑल्सो इज रिवील्ड थ्रू दिस ब्यूटिफुल गुरु स्तोत्र विच सेज गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. मै गुरु इज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मोर देन दैट इज वेरीली द परब्रह्मन. मैं ऐसे गुरु के नमन करता हूँ. हाउ द गुरु हेल्प्स अस अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ज्ञान अंधेरा से ढके हुए आँख का उन्होंने ज्ञानांजन लगा के खोल देते हैं. माय सैल्यूटेशंस टू सच ए गुरु. इतना तक नहीं है, पूर्व जन्म की वजह से जो संचित कर्मफल सबको गुरु एक क्षण में साफ कर देते हैं, जैसे काष्ठ को आग जला देते हैं. अनेक जन्म संप्राप्त कर्मे धन विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः. अनेक जन्म संप्राप्त, बहुत जन्म जन्म से जो प्राप्त हुआ, जो कर्म समूह सबको उन्होंने साफ कर देते हैं, उसी से हम सबको मुक्त कर देते हैं. वैसे गुरु को भी मैं नमन करता हूँ. नॉट ओनली दैट, अगेन एंड अगेन इन दिस अटेम्प्ट एट मेडिटेशन यू हैव टू रिमाइंड अवरसेल्व्स अबाउट अवर नेचर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. अगेन वी शैल डू सम चैंटिंग, मैं पहले करूँगा, आप उसके अनुकरण करेंगे बाद में. अगेन थ्रू दिस चैंटिंग इन अ वेरी होमोजीनियस यूनिजन मैनर वी फील दैट वननेस, वी फील दैट सुप्रीम नेचर ऑफ अवर सेल्फ्स थ्रू दिस चैंटिंग इन अ वेरी ब्रीफ वे. शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपोऽहं चिदानन्दरूपोऽहं. सबको करना है शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपोऽहं चिदोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपोऽहं शुद्धो शिवोऽहं
शिवम शिवम चिदानंद रूपम शिवम शिवम चिदानंद रूपम शुद्ध स्वरूप शास्त्र कहते हैं हम सबको हृदय में एक रोशनी आलो हम लोग अनुभव करेंगे, इसकी कोई रूप नहीं रहेगा। There's no form, only the luminosity or the brightness। मान लीजिए अंदर आपका हृदय में you experience a light, the brightness, but it's not the form of a flame or a bulb or anything. Just only see that light within. आप वही रोशनी से दिव्यता के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर आप अपना इष्ट देवता के रूप की भी कल्पना करके आपकी इष्ट देवता एक दिव्यता स्वरूप ऐसे भी अनुभव करके उनके रूप पे भी आप ध्यान कर सकते हैं। दो तरीका ध्यान संभव है। इसके साथ साथ आप दीक्षित हो तो नाम मंत्र भी जप करें। Don't open your eyes, rub your hands and keep them over your eyes that so that you feel the heat, then slowly you can open your eyes. Shanti, shanti, shanti.